हेलो एवरीवन, रनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ये वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आईजीबीटी का जो पार्ट 3 था उसमें हमने क्या देखा था, पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी। आज हम आईजीबीटी का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम आईजीबीटी का अनदर टाइप देखने वाले, उसका नाम क्या है, नॉन पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी। आपको क्या पता चला था लास्ट के वीडियो में आईजीबीटी में दो टाइप्स थे, एक पंच थ्रू टाइप था और दूसरा नॉन पंच थ्रू टाइप था। ये फर्स्ट वीडियो में हमने पंच टू टाइप ऑफ आईजीबीटी देखा, आज की वीडियो में हम नॉन पंच टू टाइप ऑफ आईजीबीटी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम इसके कंस्ट्रक्शन के पूरा नाम लिख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लेयर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बफर लेयर, ये सॉरी बफर नहीं, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं सोर्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको दिख रही है, इसको देख के आपके एक चीज ध्यान में आ गई होंगी। हमने लास्ट टाइम जो पंच थ्रू टाइप ऑफ देखा था उसमें एक लेयर था बफर लेयर, ठीक है, जो एन प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता था, उसमें बफर लेयर प्रेजेंट था। बट ये जो नॉन पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी है उसमें बफर लेयर कहां पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं है ना, बफर लेयर नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पंच टू टाइप ऑफ आईजीबीटी में बफर लेयर प्रेजेंट होता है और नॉन पंच टू टाइप ऑफ आईजीबीटी में बफर लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में आ गया आपको। तो ये जो कितना लेयर का डिवाइस है, 1 2 3 4 4 लेयर डिवाइस, कितने टर्मिनल होते हैं आईजीबीटी को, कौन से भी 3 टर्मिनल्स होते हैं ना, गेट कलेक्टर इमिटर टाइप, ये 3 टर्मिनल होते हैं। अगर आपने आईजीबीटी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखिए तो वो देख लीजिए और बाद में इसको कंटिन्यू कीजिए। बाद में यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और बायपोलर डिवाइस और वोल्टेज से कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ये बाकी के पूरे पॉइंट सेम रहेंगे पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी के, जस्ट ये जो पॉइंट है फोर लेयर है इसमें। उसमें क्या था, इसमें क्या है, देखो पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी में इधर क्या है, फाइव लेयर्स, देखो 1 2 3 4 5, बट नॉन पंच थ्रू टाइप में फोर ही लेयर है, बफर लेयर इज एब्सेंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम अब देखेंगे इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। हमें पता है वर्किंग को दो मोड में काम करता है, दो बायस में काम करता है, एक तो फॉरवर्ड बायस होता है और जो दूसरा होता है वो होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस ये क्या है, इधर जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में हम वो ये लगाते हैं, पावर सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, इसको पावर सप्लाई क्या बोलते हैं, हम VCE, कलेक्टर इमीटर के बीच में दिया ना, उसलिए हम उसे बोलते हैं वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, दैट इज VCE, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये पॉजिटिव जो होता है वो कलेक्टर को दिया जाता है और ये जो निगेटिव होता है वो दिया जाता है इमीटर को, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक जंक्शन J1 बनेगा P और N में, N और P में जंक्शन J2 बनेगा और P और N प्लस में फिर से जंक्शन J3 बनेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जब पॉजिटिव अप्लाई किया, पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होंगे, ये जंक्शन यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा पॉजिटिव पोलरिटी और इसको क्रैक कर देगा, ठीक है। तो जंक्शन हो गया फॉरवर्ड, जे अब इसमें फॉरवर्ड कंडीशन में जंक्शन J1 और ये देखो निगेटिव में भी निगेटिव रिफ्लेक्ट हो गया, इसको आए जंक्शन J3 को क्रैक कर देगा, J3 भी फॉरवर्ड में आ गया, बट जंक्शन J2 उसको क्रैक करने के लिए कोई नहीं बचा है, तो ये जंक्शन J2 रिवर्स कंडीशन में जाएगा, जंक्शन J1 और जंक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में आएंगे, जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स कंडीशन में आएगा। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। हमें क्या पता होना चाहिए कि तीनों भी जंक्शन क्रैक होने के बाद में ही करंट फ्लो हो सकता है, जब तक वो तीनों जंक्शन निकलने जाते हैं जगह से तब तक हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा। तो जंक्शन J1 J2 तो हो गए क्रैक, जंक्शन J2 बाकी है ना अभी, तो जंक्शन J2 के नियरेस्ट कौन सा है, N- और P, ठीक है ना, N- और P है। तो नॉन पंच थ्रू टाइप ऑफ ये जंक्शन इसमें कौन डिसाइड करता है, इसमें डिसाइड करता है ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जंक्शन N- मतलब ड्रिफ्ट लेयर, इसमें कौन डिसाइड करता है,
एन माइनस लेयर जो होता है वो डिसाइड करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ब्लॉकिंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड बाय हुम, एन माइनस, ठीक है ना, एन माइनस से ब्लॉकिंग कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में इसका अपोजिट रहता है, कलेक्टर को हम निगेटिव देते हैं और इमिटर को हम पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, जस्ट पोलैरिटी चेंज करते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है दोस्तों, रिवर्स बायस में जो फॉरवर्ड कंडीशन होती है, फॉरवर्ड कंडीशन होती है उसमें जे टू हो जाता है फॉरवर्ड, बट रिवर्स जे वन और जे थ्री जो होते हैं वो रिवर्स ही रहते हैं, वैसे की वैसे रिवर्स रह जाते हैं। फॉरवर्ड में क्या था, जे वन जे थ्री फॉरवर्ड हो जाते हैं और ये रिवर्स हो जाता है, बट इसमें अपोजिट है, ठीक है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को अपोजिट ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये देखो, अब इसमें ब्लॉकिंग कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा, ब्लॉकिंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड बाय, इसमें भी एन माइनस ही डिसाइड करेगा, मतलब ड्रिफ्ट ही डिसाइड करेगा। क्यों ड्रिफ्ट करेगा, देखो जे वन और जे थ्री ना, जे वन देख लिया, जे वन में हायर प्रायोरिटी इसको है ना, ठीक है, तो इसमें भी ड्रिफ्ट ही डिसाइड करेगा। मतलब दोस्तों देखो, ये अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड कंडीशन फॉरवर्ड बायस में भी एन माइनस ही डिसाइड करता है ब्लॉकिंग कैपेसिटी, और रिवर्स बायस में भी एन माइनस ही डिसाइड करता है ब्लॉकिंग कैपेसिटी। सो ये जो टाइप ऑफ आईजीबीटी है उसको हम सिमेट्रिक टाइप ऑफ आईजीबीटी बोलते हैं। नॉन पंच थ्रू टाइप ऑफ आईजीबीटी में बफर प्रेजेंट नहीं होता है और उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। इसको सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी एन माइनस मतलब ड्रिफ्ट रीजन ही डिसाइड करता है ब्लॉकिंग कैपेसिटी, और रिवर्स बायस में भी ड्रिफ्ट रीजन ही डिसाइड करता है ब्लॉकिंग कैपेसिटी। पर ये जो लास्ट वीडियो में हमने पंच टू देखा था उसमें क्या था, फॉरवर्ड बायस में कौन एन माइनस डिसाइड कर रहा था और रिवर्स बायस में एन प्लस कर रहा था, उसलिए वो दोनों सेम नहीं थे, उसलिए उसको हम असिमेट्रिक बोलते थे। बट इन केस ऑफ नॉन पंच टू टाइप ऑफ आईजीबीटी हम क्या बोलते हैं, जंग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में भी ड्रिफ्ट रीजन ही ब्लॉकिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है, उसलिए हम उसको सिमेट्रिक टाइप ऑफ आईजीबीटी बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ आईजीबीटी, तो वो भी देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।